नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। कालका की महादेव कॉलोनी में झाड़ियों में से एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पाई पहचान। डेरा बस्ती पुलिस ने 3 घंटे में लूट की वारदात को सुलझाया। आरोपी कार चालक को साथियों व लूटते सामान सहित किया काबू। पंचकुला पुलिस ने सड़क सार घर में घुसकर चोरी करने वाले 2 लोगों को किया काबू। 17 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 52,000 की नकदी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। कालका के गांव रामपुर सिवड़ी की महादेव कॉलोनी में बाबा भवन के नजदीक एक अज्ञात व्यक्ति का शव झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव लगभग 15 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसे सुबह 10 बजे के करीब एक राहगीर ने देखा, क्योंकि वहां से तेज दुर्गंध आ रही थी। और जब उसने नजदीक जाकर देखा तो झाड़ियों में सड़ी गली हालत में एक लाश पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पहचान हेतु लोगों को बुलाया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। तो वहीं शव रेल लाइन के साथ वाली जगह में मिलने से पुलिस ने GRP पुलिस को भी सूचना देकर मौके पर बुला लिया, जिसके बाद GRP पुलिस के इंस्पेक्टर जयपाल ने शव को कालका पोस्टमार्टम रूम में पहचान हेतु 72 घंटे के लिए रखवा दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। डेरा बस्ती पुलिस ने लूट की वारदात को 3 घंटे में सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ASP डेरा बस्ती डॉक्टर दर्पण आलूवालिया ने बताया कि गत रात्रि लुधियाना निवासी अरुण कुमार शिमला में से गहने बेचकर वापस आ रहा था। इस दौरान दर्पण के नजदीक पहुंचने पर मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने उनकी कार पर हमला कर उन्हें रोक लिया। लुटेरों ने कार चालक और सुनियारे के साथ मारपीट कर गाड़ी में से नकदी और गहनों का बैग लूट लिया और वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लालड़ू थाना के पुलिस प्रभारी आकाश शर्मा पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान जांच टीम को पहली नजर में कार चालक पर संदेह हुआ, जिसके बाद लगभग 3 घंटों में ही पुलिस ने कार चालक व उसके साथियों को लूट के सामान सहित काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान कार चालक गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदु, प्रिंस कुमार सतपाल सिंह उर्फ पाली सभी निवासी शंभू और निशांत सिंह निवासी राजपुरा के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। मेरी दुकान का नाम कृष्णा ज्वेलर है, जो कि मैं वापस आंदा पे सी ड्राइवर दे नाल। मेरी गड्डी दी लुट खो हुई ते लालड़ू पुलिस वाले ने मेरा बहुत पूरा साथ दिता है, इन्हों का मैं धन्यवाद हाँ। तो इन्होंने थोड़े चंद घंटे में ही मेरा समान, मेरे कैश 8 लाख रुपया ते कुछ गोल्ड मेरा वापस कर दिता। पंचकुला पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचकुला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 के इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह व उनकी टीम द्वारा तड़कसार लोगों के घरों में घुसकर महंगे मोबाइल फोन, पर्स, लैपटॉप व अन्य महंगी चीजें चोरी करने वाले आरोपी रमेश रॉय उर्फ सोनू निवासी जिला मुजफ्फरनगर बिहार को गिरफ्तार कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। आरोपी से पूछताछ के उपरांत 10 मोबाइल और 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया था, जिसकी निशानदेही पर उसके साथी सोनू उर्फ सन्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद सोनू की निशानदेही पर 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से अब तक कुल 17 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 52,000 की नकदी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी ट्राई सिटी पंचकुला चंडीगढ़ जीरकपुर में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर वहां से चोरी किए गए मोबाइल फोन इत्यादि सामान बिहार में जाकर बेच देते थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। रमेश राय उर्फ सोनू है, ये यहाँ पर लालड़ू में रहता था और सुबह के टाइम जो है ना ये डेली आता था, 3 बजे करीब चलता था स्कूटी पे। इसने एक स्कूटी डेरा बस्ती से चोरी की हुई थी और उस पर जो अच्छे सेक्टरों में पॉस घरों में ट्राई सिटी में मनी माजरा में चंडीगढ़ में और ये जो घरों में सुबह सैर करने के लिए निकलते थे तो उन घरों में आसानी से दरवाज़ा खोल के घुस जाता था और अंदर से लैपटॉप
मोबाइल, घड़ी, पैसे और छोटा मोटा कोई सोने का आर्टिकल जो भी इसको मिले वो लेके चुपचाप फरार हो जाता था। कई जगह इसकी सीसीटीवी फुटेज आई हुई है, तो उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने इसमें स्पेशल टीमें लगाई और सेक्टर 12 में इसको जो है हमने वहाँ पर सुबह के टाइम वहाँ से काबू किया था। इसमें अभी इसकी निशानदेही पर ये बिहार का रहने वाला है, थाना नसीबगंज और वहाँ पर मुजफ्फरपुर जिला है उसमें वहाँ का रहना। एक इसका साथी है जो मिर्ज़ापुर में यहाँ पंजाब में रहता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, वो ये मोबाइल्स और ये आर्टिकल्स जितनी भी चीज़ें थी इनको ले जाके वहाँ पर बेचता था। इससे 17 मोबाइल और एक लैपटॉप ये बरामद हुआ और 52,000 रुपये नकदी इससे बरामद हुई है। रामपुरा फूल के भीड़ भाड़ वाले मुख्य चौक में गत दोपहर अज्ञात लोगों द्वारा दो युवकों पर हमला कर हवाई फायर करने का मामला सामने आया है। इस घटना में एक युवक के सिर पर चोट लगी है। घटना की सूचना मिलते ही थाना रामपुरा सिटी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय बैंक बाजार में एक मेडिकल लेबोरेटरी पर काम करने वाला बंटी अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान मुख्य चौक पर पहुंचते ही कुछ लोगों ने अचानक उन पर हमला कर हवाई फायर कर दिए, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं इस हमले में बंटी के सिर पर चोट लगने के कारण उसे स्थानीय सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना रामपुरा सिटी के प्रभारी अमृतपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही फायरिंग होने या ना होने संबंधी कुछ बताया जा सकता है। दूसरी तरफ शहर के मुख्य चौक में दिन दिहाड़े हुए इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब सरकार की ओर से गत दिनों असला धारकों को जारी की गई हिदायतों के बावजूद विवाह समागमों और सार्वजनिक स्थानों पर सरेआम हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते बठिंडा पुलिस की ओर से ऐसे ही एक नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसने एक विवाह समागम के दौरान हथियार का प्रदर्शन किया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP बठिंडा JL Chelian ने बताया कि गत दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक नौजवान असले का प्रदर्शन कर रहा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना नथाना में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने असला धारकों को सख्त हिदायतें की हैं कि सार्वजनिक स्थानों और विवाह समागमों में असले का प्रदर्शन ना करें। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और असले का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उदय खिलाफ, बंदे दे खिलाफ असी केस रजिस्टर करता है। 11th सेक्शन 188 दी पर्चा दर्ज हो गया है और मैं DSP बूचो साहब नू डायरेक्शन कीती है, उस बंदे नू गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई भी करांगे और उदी जड़ा लाइसेंस है कैंसल करने के लिए असी DC साहब नू लिख के कैंसल भी करावांगे। और मैं सारे नू ये बेनती करूँगा इस मैसेज रागी, कितने भी फंक्शन दे विच जड़ा सोशल फंक्शन है, जहाँ शादी है, जहाँ धार्मिक फंक्शन है, जहाँ किसी और फंक्शन है जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, उत्ते वेपन लेके जाना है और उत्ते डिस्प्ले करना है जहाँ वर्तों करना है, सख्त मना है। सरकार ने भी पिछले कुछ दिनों विच सरकार ने भी सानू काफ़ी डायरेक्शन दितियां हैं वेपन के बारे में, असी वर्कआउट कर रहे हैं। सो मैं सारे बेनती करूँगा वेपन लेके ना जान, ठीक है। अगर ऐसी इंसिडेंट हो जाता है तो असी डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और थोड़े वेपन लाइसेंस भी असी कैंसिल करेंगे। फिलौर के नज़दीक पूर्व मंत्री मोहिंद्र सिंह KP की कार एक ट्रैक्टर के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहिंद्र सिंह KP एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार का ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में KP तथा उनके साथ कार में सवार अन्य लोग सुरक्षित हैं। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਫੋਨ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਨੂਰਮਹਿਰ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਰਮਦਾਸਪੁਰਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ।
ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਨੂਰਮਹਿਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਐਕਸਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਫਟਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ। ट्रॉली सी, ट्रॉली चले गई। पिछले कुछ दिनों से भाई अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया पर अपने बयान के कारण काफी चर्चा में हैं। और आखिरी दिन अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी अमृतपाल सिंह के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद अब भाजपा नेत्री और पूर्व मंत्री व दुर्गियाना मंदिर की अध्यक्ष लक्ष्मीकांता चावला ने भी अमृतपाल सिंह पर जुबानी हमला किया और उन्हें खुली चुनौती दी कि अगर अमृतपाल सिंह ने उन सवालों का जवाब दिया तो वे अमृतपाल सिंह को विद्वान मानेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं तो अमृतपाल सिंह को कोई अधिकार नहीं है कि वह भारत का माहौल बिगाड़े। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतपाल सिंह बनाम अमृतपाल ड्राइवर दुबई वाले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये तो भारत सरकार की एजेंसियां पता लगाएगी। वैसे लड़ाई और प्यार बराबर वालों में होता है, मैं तेरे बराबर नहीं हूँ। तुम किसी विदेशी एजेंसी के, भारत के विरुद्ध नापाक षड्यंत्र करने वाली एजेंसी के हो सकता है, शायद हो भी, एजेंट हो भारत में अशांति फैलाने के लिए। मैं हिंदुस्तान की एक देशभक्त नागरिक, तुझे एक ही बात कहनी है, रोज रोज झूठ बोलते हो, कूड़ निखुटे नानका उड़क सच सही, सच्चे का बोलबाला झूठे का मुंह काला। जो तुम बोलते हो मेरे लिए या किसी और के लिए, एक दिन मेरे पास आ जाओ, पूरा आदर मान मिलेगा जैसे अतिथि का होता है। सब भीड़ छोड़ के मैं भी अकेली आऊंगी, सिर्फ मीडिया वालों को बुलाऊंगी। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगे तो मैं तुझे विद्वान मान लूंगी, जो बोलते हो सच मान लूंगी। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके पंजाब के बारे में, तो तुझे बैक टू पवेलियन, वहीं दुबई जाना होगा। ट्रक चलाओ या दुकानदारी करो या उन एजेंसियों के लिए काम करो, फिर तुम्हें पंजाब में देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हिम्मत है तो आज ही उत्तर दो, जगह तय करो, हमारे अमृतसर में आओ, अमृतसरी स्वागत होगा जैसे घर में आए अतिथि का होता है। सोच लो, उत्तर दो, नहीं तो झूठ बोलना बंद करो, ज्यादा दिन झूठ नहीं चलने वाला है। अमृतपाल सिंह हो या नहीं, अमृतपाल। न्यू रूबी अस्पताल लाजपत नगर जालंधर की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर SPS ग्रोवर ने बताया कि न्यू रूबी अस्पताल की ओर से 20 से 24 नवंबर तक निशुल्क मेगा सर्जरी एंड कार्डियोलॉजी कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें माहिर डॉक्टर कुलदीप सिंह संधू, डॉक्टर समित सिंगला और डॉक्टर अशोक शर्मा मरीजों की निःशुल्क जाँच कर उनके ऑपरेशन भी निःशुल्क करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कैंप में मरीजों का दवाइयों और टेस्टों का कम से कम खर्च आएगा, जबकि ऑपरेशन निशुल्क किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह कैंप रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट और डॉक्टर KGS मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी जालंधर के सहयोग से लगाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने लोगों को इस कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस मौके पर रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट के अध्यक्ष रोटेरियन दर्शन सिंह, डॉक्टर पुनीत पाल सिंह ग्रोवर, डॉक्टर मनवीर सिंह, डॉक्टर हरनीत कौर, रोटेरियन जगदीश कटारिया सहित अस्पताल का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। न्यू रूबी हॉस्पिटल नवंबर ये मैगा सर्जिकल एंडोस्कोपी और कार्डिक चैकअप कैंप है। ये अमेरिका तो डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह संधू, डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर समित सिंगला, तो न्यू रूबी अस्पताल की टीम ऑपरेट कर रही है। पेशेंट जोड़े ने फ्री देखे जाएंगे, ऑपरेशन चार्जेस बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ पेशेंट को दवाइया का डिस्पोजेबल्स का खर्च आएगा। तो हर तरह के पेट के कैंसर, गॉलब्लैडर के कैंसर, विपन्स ऑपरेशन, आंतड़िया के कैंसर और गदूदा के ऑपरेशन, पत्थरिया के किडनी स्टोनस और गायनी के बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी दादियाँ ओवरी का कैंसर, हार्ट वालों एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सारा ही ये फ्री कर रहा है और सिर्फ इन दवाइया के
चार्जस लगनगे। तो मैं अपील करता कि वो तो वो लोगों तक ये गल पहुँचाई जाए तो जिन्हें भी लोड़वंद ने इसका फायदा उठा सकन। जे कोई दूसरे आम व्यक्ति सब आना चाहते हैं तो सलाह भी लेना चाहते हैं तो जोड़े फॉरन के डॉक्टर्स ने बहुत हाईली क्वालिफाइड ने वो उन्होंने सलाह लैन वास्ते भी आ सकते हैं जिन्होंने अजे ऑपरेशन नहीं भी करा। वासियों की बड़ी खुशी की खबर है कि न्यू रूबी होस्पिटल में असी एक फ्री मैगा कैंप ला रहे हैं जिस सारे डॉक्टर एक्सपर्ट बाहरों आ रहे हैं अमेरिका तो और सारी न्यू रूबी होस्पिटल की सारी जी स्पैशलिस्ट है टीम होएगी और सारा दवाइया का सिर्फ खर्चा देना पेगा मरीज को बाकी सारा कुछ और टेस्ट भी जोड़े फ्री 50% हो गए। तो बाकी मैं सारे शहर वासियों सारे रोटेरियन जी नगर निवासियों बेनती करा भी जरूर ये अपने जिन्हें रिश्तेदार है ज दोस्त मित्र आ उन्होंने दसन क्योंकि किसी का जो इलाज हो जाए तो बहुत वधिया गल है किसी को यह फायदा हो सकता। सारा मैं बेनती करता जरूर सारे जिन्हें आप बैठे भी ये भी सारे अपने जानकार बंद जानकार दोस्तों मित्रों जरूर दसन क्योंकि किसी की सेवा हो सकती है यदा भला हो सकता और रोटी वेस्ट जलंधर क्लब भागीदार है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रधान स्वर्गीय पुरुषोत्तम छड्डा के जन्म दिवस को समर्पित श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन जालंधर के सर्किट हाउस में किया गया जिसमें सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पुरुषोत्तम चड्डा को श्रद्धांजलि भेंट की। इस दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पंजाब प्रधान के चुनाव भी किए गए जिसमें सर्वसम्मति से विकास हंस को पार्टी का पंजाब प्रधान, शिंगारा राम को कोर कमेटी का प्रधान, दीपक घई को कोर कमेटी का जनरल सचिव और सागर सोहता, नरेंद्र सिंह भट्टी, सतनाम सिंह रंगरेटा, विजय भारती, तीर्थराम नाहर, परविंदर सिंह पैरी, संजय गहचंद, रोशन हंस, ओपी चौधरी और नरेश मैंस को सदस्य नियुक्त किया गया। इस मौके पर डीपीआई के राष्ट्रीय प्रधान रोहन चड्डा सहित अन्य संस्थाओं के सदस्य भी मौजूद रहे जिनका पंजाब प्रधान और कमेटी के सभी सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त किया गया। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। गौतम लाल चड्डा जी दे आज जन्मदिन दिया सारे डीपीआई पार्टी के वर्करां मेरे वालों लख लख बधाई। तो साथियों चड्डा साहब के जाने तो बाद जो कमांड संभाली आ साडे रोहन चड्डा जी ने तो मैं उन्होंने बेनती करदा भी देखो चड्डा साहब की जिहड़ी देन आ चड्डा साहब ने इस पार्टी लई पता नहीं की कुछ सोच के किन्नी मेहनत उन्हों का एक खून खून का कतरा उन्होंने अपना मतलब पार्टी के चलाया होया तो बड़ा टाइम उन्होंने समाज में जगाने वास्ते लाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा जेडे एक तो अज पता लगा भी कोर कमेटी का गठन होना तो एक अपने पंजाब प्रधान जी लगने हैं। मैं अपने वालों यही कहना भी भाई देखो पार्टी बहुत बड़े दुख तकलीफा नाल नेता जी इतों तक लैके आए हैं ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ 58ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਪਕ ਘਈ ਜੀ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਪਰ ਸਥਿਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਮੇਂ ਧਾਮ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਵਮ ਸੰਚਾਲਕ ਨਵਜੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇਂ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਨੇ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੰਚੋਪਚਾਰ ਛੋੜਸ਼ੋਪਚਾਰ ਗੌਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੁੰਭ ਪੂਜਨ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਕਰ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਸਮੀਰ ਕਪੂਰ ਸੇ ਸਪਰਿਵਾਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਉਪਰੰਤ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਲਵਾਈ।
वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहुतियाँ डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित माँ भक्तों से कहा कि संतों की शरण से जगत भी सुधरता है और अगत भी। तन और मन की पवित्रता से जगत सुखी बनेगा। उन्होंने कहा कि तन सुखी रहता है पवित्र अन्न से, यानी ऐसा अन्न जो अपने हक हलाल की कमाई से कमाया हो। पवित्र अन्न ही मन को पवित्र रखता है। जिसका जगत सुखी हो जाता है उसका अगत स्वतः ही बन जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस परमात्मा को आप बहुत दूर मानते हो वो तो आपके अपने अंतर में है। तो वहीं इस अवसर पर रोहित भाटिया, गौरव कोहली, राजेंद्र कत्याल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह साबी, लकी, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी दरबार से जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिहड़ा कि हर वीरवार को किया जाता है, अज भी जेठे वीरवार होने करके बहुत श्रद्धालुओं के जिहड़ा उन्हां दा भाव सी वह बहुत भाव विभोर हो के हवन यज्ञ समय तो पहला शामिल होए है और हवन यज्ञ आहुतियाँ डालियाँ। बहुत ही दूर दूर तो श्रद्धालुगण आए महामाई के दरबार से आके नतमस्तक होए हवन यज्ञ आहुतियाँ डालियाँ। यही मैं अरदास बेनती माँ के चरणों बारंबार करदा कि हे माँ, जिस अरदास बेनती नाल तुहाडे दरबार से तुहाडे भगत आन उन्हां दीआं झोलियाँ खुशियां दे नाल भरो और चराचर जगत दे विच जिहड़ी भी कोई भी ये अशांति फैली हुई है उसकी समाप्ति करो। विशेष रूप से मैं सारे जिन्हें भी वैब पोर्टल है और जिन्हें भी न्यूज़पेपर है जिहड़ा संचार धर्म का लगातार कर रहे हैं उन्होंने परिवार लिए और उन्होंने लगातार असी करवद माँ के चरणों प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तुहाडे दरबार से आके जिहड़ियां ये कवरेज देंदे है धर्म का संचार करते हैं इन्हां नूं अतुलित बल दिओ, इस तरह ही धर्म का संचार करते रहन। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से माँ बंगलामुखी जी के साप्ताहिक माँ यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध माँ बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं बलं सन्धे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं बलं सन्धे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, नुमान मंत्र, शक्ति मंत्र, शिवमस्तिका मंत्र और कितने ही मंत्रों के द्वारा माँ भगवती का गुणगान करते हैं, उनके शिव चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सिर्फ इसलिए कि इस संसार में जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी दोष हैं, उन सबको माँ भगवती उन सबका नाश करके अपने जितने भी उपासक हैं, अपने पूजने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, उनको माँ अपना सुरक्षा कवच प्रदान करें और उनको उस जीवन में हर एक सफलता प्रदान करें। ऐसी अभिलाषा के साथ हम माँ बगलामुखी का यहाँ पर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और ये निरंतर कितने ही सालों से लगातार चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। प्राचीन शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। इस दौरान मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू ने बताया कि माँ बंगलामुखी जी और धूमावती माता जी के हवन यज्ञ में आहुतियाँ डालकर बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। इस अवसर पर विक्की विच, बब्बा अंगुराल, अमित गुजरा
ਸੱਚੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ, ਅਜੇ ਨਾਰੰਗ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮਨਚੰਦਾ, ਵਰੁਣ ਤਨੇਜਾ, ਸੁਮਿਤ ਚਾਵਲਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਸੰਜੇ ਕੱਕੜ, ਰੌਕੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਵੀਰੇਸ਼ ਚੁੱਗ, ਸ਼ੌਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਕਤਿਆਲ, ਗੀਤਿਕਾ ਕਤਿਆਲ, ਐਂਪਲ ਜੀ, ਸ਼ਿਖਾ ਵਰਮਾ, ਪੂਨਮਦੀਪ, ਗੀਤਾ ਚੁੱਗ, ਦੀਆ ਠਾਕੁਰ, ਗੀਤਾ, ਰਮਾ ਚੈਰਤ, ਮੀਨੂ ਹੁਰੀਆ, ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਯ ਭਗਜਨ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਗਮੋਹਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਗਰੋਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੋਂ ਮੇ ਹਲਕੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੋਂ ਮੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਸੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਮੇ ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਡਰਾਈ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਕਿਨੌਰ ਔਰ ਚੰਬਾ ਕੇ ਜੋ ਉਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 19-20 ਮੇ ਕੁਛ ਹਲਕਾ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਉਸਸੇ ਕੁਛ ਇਹ ਜੋ ਉੱਪਰ ਕੇ ਏਰੀਆ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਚੰਬਾ, ਕਿਨੌਰ, ਇਨ ਪੋਕਿਟਸ ਮੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਮੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਡਰਾਈ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਫਾਲ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਨੇ ਕਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, 14-14 ਨਵੰਬਰ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮੇਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਬਰਪਟ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। गत दिनों जालंधर रेलवे स्टेशन के बाहर से ट्राली सूटकेस में मिली लाश के मामले को हल करते हुए पुलिस ने एक और आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर एस भूपति ने बताया कि एसआई अशोक कुमार ने पुलिस पार्टी सहित कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी को गदईपुर मार्केट जालंधर में से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद इश्तियाक निवासी जिला कटिहार बिहार हालिया निवासी गदईपुर मार्केट जालंधर के तौर पर हुई है। आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल फोन, वारदात के समय पहने हुए कपड़े, आरोपी का मोबाइल फोन और बैंक की कॉपी भी बरामद की गई। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, ताकि इस मामले में और खुलासे किए जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मोहम्मद इश्तियाक उर्फ MD जो कि पिछों बिहार का रहने वाला, इतने फैक्ट्री के विच काम करता हुंदा सी, हुण हट गया ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਦਈਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਬਲੂ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋਈ ਆ, ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰੀਫਕੇਸ 'ਚੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਬਲੂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਖਤੂਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਬਲੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਗਦਈਪੁਰ ਰੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੱਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 14-15 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12:30 ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਰੀਫਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਕਾਲਕਾ ਕੀ ਮਹਾਦੇਵ ਕਾਲੋਨੀ ਮੇਂ ਝਾੜੀਓ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾ ਸ਼ਵ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਪਹਿਚਾਨ। ਡੇਰਾ ਬਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਲੂਟ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋ ਸੁਲਝਾਇਆ, आरोपी कार चालक को साथियों व लूटते सामान सहित किया काबू। पंचकुला पुलिस ने सड़कसार घर में घुसकर चोरी करने वाले 2 लोगों को किया काबू, 17 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 52,000 की नकदी की बरामद।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।